लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, इसलिए सभी दलों की नज़र उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने पर है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फतह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में हर महीने एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव हर रोज 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर जनता के बीच सपा सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी की नाकामियों का गुणगान करेंगे। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि मिशन 2019 में विजय के लिए वह हर दिन कम से कम 50 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। सपा प्रमुख ने ऐलान करते हुए कहा कि ये चुनाव हम साइकिल पर बैठकर लड़ेंगे, वो भी बिना किसी संसाधन के। अखिलेश ने कहा कि अगर एक दिन में 50 किलोमीटर उनकी साइकिल चली तो सपाइयों की जीत पक्की है, लेकिन अगर 50 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाए तो चुनाव नहीं जीतेंगे। 2012 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी की सड़कों खूब साइकिल चलाई थी। सैकड़ों सपाइयों के साथ उनकी साइकिल जनता के बीच पहुंची थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत मिली और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी कर दी थी।